देखो भैया, जो 2.5 घंटे झूठ बोलेगा ना, 2.5 घंटे जो झूठ बोलेगा, बैठना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा। बस एक ही आदमी है, दो आदमी है, एक नहीं दो हैं, जो 2.5 घंटे क्या 10 घंटे झूठ बोल देंगे। ना पानी की जरूरत, ना खाने की जरूरत। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल। पिछले भाषण में मैंने बोला देखो, 15 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं और मेरे आप भाषण सुन लो, बहुत भाषण दिए हैं, सुन लो। एक भाषण में मैंने झूठ बोला हो, मैं मान जाऊंगा अगर आपने निकाल दिया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, एक के बाद एक झूठ और बहाने। प्रियंका ने शीला दीक्षित जी की बात की, मैं उन्हें जानता था। एक बार उन्होंने बहाना नहीं बनाया। केजरीवाल जी कहते हैं मोदी जी काम नहीं करने देते। मोदी जी के बारे में जानते हो, अमित शाह की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। मोदी जी के भाषण सुनो, अरविंद केजरीवाल के भाषण सुनो, मोदी जी के भाषण सुनो, अरविंद केजरीवाल जी के भाषण सुनो, झूठ देखेगा। वो अमित शाह के भाषण, उसमें इतना कचरा है, उसको आप सुनो ही मत। इतना गंध निकलता है उस आदमी के मुंह से, उसको तो आप सुनो ही मत, अपना टाइम जाया मत करो। तो मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। प्रियंका ने मेट्रो की बात की, सड़कों की बात की, रिपोर्ट कार्ड पढ़ा और काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जो डिटेल था मुझे भी नहीं मालूम था। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है, इस बात को आप मानते हो? बात को मानते हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, अगर युवा है उसके सामने सबसे बड़ी कठिनाई रोजगार की है, मानते हो ना? तो मुझे आप बताओ, नरेंद्र मोदी ने और अरविंद केजरीवाल ने बेरोजगारी के बारे में क्या किया? क्या किया? जहां भी मैं जाता हूं, युवाओं से बात करता हूं, पूछता हूं भैया क्या करते हो, कहते कुछ नहीं। फोन के पीछे मेड इन चाइना, जूते के नीचे मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे मेड इन चाइना। और नरेंद्र मोदी कहते हैं, देश के युवाओं से कहते हैं पकौड़े बेचो। लंबे लंबे भाषण करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, पढ़ाई की स्ट्रेटजी दे रहे थे, क्या कहते हैं उसको, नहीं क्या कहते हैं वो, जो नरेंद्र मोदी जी जो बच्चों को सिखाते हैं एग्जाम पास करने का, क्या नाम है उसका, क्या किताब थी वो, किताब का नाम क्या था, परीक्षा की चर्चा। और हमने नरेंद्र मोदी जी से पूछा, भैया एक बात बताओ, अपनी डिग्री दिखा दो, वो नहीं दिखी आज तक। आज तक वो नरेंद्र मोदी जी की डिग्री नहीं दिखी, पता नहीं कहां है वो। और बच्चों को सिखा रहे भैया परीक्षा पास करना, मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, खोखलापन, आपको खोखलापन समझना है। और बड़ा मौका है हिंदुस्तान के लिए, बहुत बड़ा मौका है सब युवाओं के लिए, पूरी दुनिया के देश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, इंग्लैंड, जर्मनी, सब लोग चाहते हैं कि चाइना को कोई ना कोई बैलेंस करे। सब लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई
देश चाइना को बैलेंस कर दे, मेड इन चाइना को बैलेंस कर दे। सबको डर लग रहा है, बिजनेस वालों ने अपना पूरा पैसा चाइना में डाला, आपने देखा वहां पे वायरस हो गया। हाँ हो गया, आपने देखा। आप जानते हो कि चाइना की सब फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, सब फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं चाइना की। पूरी दुनिया कह रही है कि हम अपना ही पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं को मदद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान चाइना के सामने मेक इन इंडिया खड़ा कर दे। मेरे पास आते हैं भाई, मेरे पास आते हैं, मेरे पास इन देशों के नेता आते हैं और बंद कमरे में मुझसे एक सवाल पूछते हैं, आप हैरान हो जाओगे। मुझसे बंद कमरे में सवाल पूछते हैं, कहते हैं हां पूरी दुनिया हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है, हम भी अपना पैसा हिंदुस्तान में डालना चाहते हैं, मगर आप हमें एक बात बताइए, ये जो हिंसा, ये जो नफरत हिंदुस्तान में फैल रही है, ये बंद कब होगी? क्योंकि उससे पहले हम अपना एक रुपया नहीं डालने वाले, हम अपना एक रुपया नहीं डालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान में हिंसा है, हिंदुस्तान में नफरत है, हिंदुस्तान बटा हुआ है, तो हिंदुस्तान ना चाइना का ना किसी का मुकाबला कर सकता है। यह है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का मतलब। पूरी दुनिया समझता है कि हिंदुस्तान अगर खड़ा होगा, अगर हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार देगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता पर ही दे सकता है, मगर यह बात नरेंद्र मोदी के दिल दिमाग में नहीं घुसी और घुस भी नहीं सकती। वो जाएगा तो अपना पूरा समय नरेंद्र मोदी हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई को लड़ाने में लगाता है। उसकी पूरी राजनीति सिर्फ यही है, सुबह उठते हैं कहते हैं भैया आज मैं देश को कैसे बांटूं, असम में जाते हैं कुछ कहते हैं वहां पे लड़ाई करा देते हैं, पंजाब में जाते हैं वहां लड़ाई करा देते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं वहां लड़ाई करा देते हैं, दिन भर ये करते हैं और फिर कहते हैं मैं हूं देशभक्त, मैं हूं देशभक्त। इस देश में आप कहीं भी चले जाइए, मैं आपको सच्चाई बताता हूं, मैं बहुत घूमा हूं देश में, बहुत घूमा हूं, आप इस देश में कहीं भी चले जाइए और किसी से पूछिए, किसी भी हिंदुस्तानी से आप पूछिए, वो आपको बता देगा मेरे खून में हिंदुस्तान है, मेरे दिल में हिंदुस्तान है। और सब धर्म के लोग, सब जात के लोग, सब प्रदेश के लोग, सब भाषा बोलने वाले लोग आपको बता देंगे ये नरेंद्र मोदी और ये केजरीवाल किसको देशभक्ति सिखा रहे हैं, ये किसको देशभक्ति सिखा रहे हैं। इस देश में पूरा का पूरा देश देशभक्त है, किसी को देशभक्ति सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देश ने काम करने के लिए चुना है, आपको देश ने रोजगार दिलवाने के लिए चुना है, आपको देश ने देश को आगे ले जाने के लिए चुना है, आप वो काम तो नहीं कर पा रहे हो, फेल हो, पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है। बहाने मत बनाओ, देश के युवाओं को समझाओ, उनको आप रोजगार कैसे दिलवाओगे। हर रोज आपसे पूछते हैं, आप कोई ना कोई उल्टी बात कर देते हो, देश को बताओ आप प्रगति कैसे लाओगे। और मैं आपको बता रहा हूं, बिना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के एक हुए इस देश में प्रगति कभी नहीं आ सकती, हो ही नहीं सकता। कर लो जितना करना है आपको,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा पुराना रिश्ता है, सालों पुराना रिश्ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह रिश्ता जो है राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं राजनीतिक रिश्ते में। यह मेरा आपका रिश्ता प्यार का रिश्ता है। और मैं नरेंद्र मोदी और केजरीवाल नहीं हूं कि थोड़ी सी सत्ता के लिए मेरे मुंह से कुछ भी निकलवा दो। नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से सच निकलेगा, सिर्फ सच निकलेगा। और हिंदुस्तान के सामने एक चैलेंज है, मैं बता रहा हूं आपको। देखो, 6-7 साल पहले मैं पंजाब गया, मैंने पंजाब में एक भाषण दिया। मैंने पंजाब में कहा, पंजाब के सामने एक बड़ा चैलेंज है। और मैंने कहा, पंजाब को जो ड्रग्स का, नहीं भैया वो झंडा है उसको ऊपर करो, नीचे मत करो उसे। अगर अगर पंजाब ड्रग्स से नहीं लड़ेगा तो पंजाब नष्ट हो जाएगा। अकाली दल के नेताओं ने कहा, राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है। उसके 2-3 साल बाद उन्हीं अकाली नेताओं ने कहा कि पंजाब को ड्रग से लड़ना पड़ेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान और अगर दिल्ली अपने युवाओं को रोजगार नहीं देगा, अगर हिंदुस्तान और दिल्ली दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल नहीं बनेगा, तो जो आज आपको हिंदुस्तान में हिंसा और नफरत दिख रही है, उससे 10 गुना ज्यादा नफरत और हिंसा आपको दिखेगी। हिंदुस्तान के सामने सिर्फ एक चैलेंज है, और वो है अपने बच्चों को, अपने युवाओं को रोजगार किस प्रकार से दिलवाना। और मैं आपको बता रहा हूं, ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकते ही है, और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। और उस काम को करने के लिए आपको नरेंद्र मोदी और केजरीवाल को परे करना पड़ेगा। और वो काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ लाकर, प्यार से एक साथ लाकर वो काम होने वाला है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए। और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने इतने प्यार से मेरा भाषण सुना, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, जो सरकार युवा रोजगार चाहता है, युवा विकास चाहता है, युवा प्रगति चाहता है, और नरेंद्र मोदी उसी युवा को पीटता है, पुलिस से गोली मरवाता है। जो मैंने कहा आप याद रखो, देखो, 6-7 महीने में, 8-10 महीने में, एक साल के अंदर हिंदुस्तान के युवा के दिल के अंदर से ऐसी आवाज उठेगी आपने हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा होगा। और आवाज वो क्या होगी? वो आवाज होगी, नरेंद्र मोदी परे हटो, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दो। ये आवाज निकलेगी, देखना आप। और फिर आएगा मजा, क्योंकि फिर हिंदुस्तान सही पटरी पे चलेगा। और हिंदुस्तान में जो शुरू होना चाहिए, रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम शुरू होना चाहिए, वो होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।